चंपारण गांधी जी की धरती है, इनके इनके पास में जाऊं उससे पहले बस एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ छल खपट तो वैसे भी कम है, लेकिन हमने ये सोचा कि वहाँ जाके हम एक बार देखें, वहाँ जाके हम एक बार ये देखें जरूर कि क्या यहाँ जो शौचालय है सही में उनका निर्माण हुआ है, नहीं हुआ, यूज हो रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हर शौचालय का यहाँ निर्माण भी हुआ है और लोग उसको यूज भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पहले आप ये बात कर रहे थे कि ये जो बच्चे हैं ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, और ये एकदम सही बात है, यही वो बच्चे हैं जिन्होंने इस कैंपेन को यहाँ फर्दर किया है। ये बच्ची हमारे साथ है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कुमारी। इंदु, ये बताओ कि हम लोगों ने शुरू किया यहाँ पे अभियान, कैसे शुरू किया जरा बताओ मुझे। हमारे स्कूल में कुछ प्लान इंडिया के लोग आए थे, भैया दीदी आए थे और शौचालय के बारे में बता रहे थे मानचित्र बनाकर, उसमें पीला है जो गु है, कहते थे मक्खियों के द्वारा हम लोग गु खाते हैं। तो हम मम्मी पापा से बोले, मम्मी पापा शौचालय बनवा लीजिए, तो वो लोग बोले पैसा नहीं है। तो हम लोग बोले जाइए मुखिया के पास, सामान रखा है उसमें से ला कर आप बनवाइए। तो हम बन गया, तब हम लोग गांव में घूम कर प्रचार करने लगे, तो अभी लोग बनवा लिए, अब शौच से मुक्ति पा लिए। ये बताओ कि जब तुम लोग ये करते थे तुम्हारे माँ बाबू जी डांटते नहीं थे कि ये क्या कह रही हो तुम अटपटांग बातें? डांटते थे। तो तुम क्या कहती थी? हम लोग कहते थे बीमारी बहुत फैलता है, इससे मुक्ति पा लीजिए बीमारी से, और सब लोग भी बोलते थे। हम लोग बोले बहुत अच्छा हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे पास। मेरी बस एक विनम्र विनती है, थोड़ा सा समय मुझे और दे दें क्योंकि मैं सारे स्टेक होल्डर से बात करना चाहता हूँ। बीडीओ साहब भी कहीं थे, मुझे दिख नहीं रहे हैं, आप इधर आ जाइए पहले। इनसे मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि विक्रम अमित जी, हम लोग जनरली सरकार के खिलाफ स्टोरीज करते हैं जब भी जाते हैं, लेकिन ये एक मिसाल है कि अगर सरकारी अधिकारी अपना मन लगा दे तो किस तरह से गांव में काम हो सकता है। सर अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम रघुवर प्रसाद है। रघुवर जी, ये बताएं कि आपने जब ये शुरू किया, आपने बताया कटान का गांव है, यहाँ पे बहुत चुनौतियां थी, एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या थी यहाँ शौचालय बनवाने? बड़ी चुनौती यही थी कि यहाँ ये उत्प्रेरित लोग नहीं थे, तो किसी को भी उत्प्रेरित करना और उसको सही रास्ते पर ला देना और उसमें व्यवहार परिवर्तन कर देना, ये सबसे बड़ी मेरे सामने चुनौती थी। मैंने जो है गांधी जी के सिद्धांत को पढ़ा था, गांधी जी का सिद्धांत था जो है सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, और उसी के साथ गांधी जी कहे थे कि जो सत्य पर चलेगा वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, और जो ईश्वर को प्राप्त कर ला वही सत्य है। तो उसके साथ साथ गांधी जी की ये भी विचार था कि नहीं नहीं, सत्य के साथ साथ एक और सत्य है, वह है स्वच्छता। स्वच्छता में ईश्वर रहते हैं और स्वच्छता में ईश्वर रहते हैं, अगर स्वच्छ आप हो जाइए तो ईश्वर के करीब हो गए, यानी स्वच्छ। एक चीज जल्दी से बता दीजिए कि जो राज्य सरकार है पटना यहाँ से काफी दूर है, उनसे कितना सपोर्ट मिला है या क्या और सपोर्ट की अपेक्षा करते हैं? हाँ, सपोर्ट हमको सरकार से भी मिला है। जिला पदाधिकारी, तत्कालीन जिला पदाधिकारी लोकेश कुमार थे, वो बराबर हमसे इस पर चर्चा किया करते थे, और जो है गैर सरकारी संस्थान जैसे इंडिया प्लान इंडिया और जीएसएफ अदिति, ये सब लोगों और ये आजीविका के लोग और इस गांव पंचायत के लोग, सभी लोगों के पास हम रात रात भर जाके, यानी 24 घंटे में हम करीब एक घंटा सोते थे, दो घंटा सोते थे, बाकी हम समाज को देते थे। आई थिंक द अदर इम्पोर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लेडीज हियर। आई थिंक विक्रम अमित जी, ऑल ऑफ यू विल बी अवेयर दैट इट इज, इफ दिस सेगमेंट कैन एक्चुअली बी ब्रॉट इन टू दिस काइंड ऑफ चेंज एंड इट मेक्स अ डिफरेंस, दिस इज अ लेडी हियर हु रियली हैज स्पीयर हेडेड द एंटायर कैंपेन इन दिस विलेज हियर, सेमरा लिपदाहा, एंड आई'ड लाइक टू टॉक टू हर। दीदी, आपका नाम क्या है? मली देवी। मली देवी, बताइए कि शौचालय सबसे पहले आप ही घर में बना किसी और में? पहले हम बनवाए थे। तो आप जब बनवा रही थी तो आप क्या कह के समझाई अपने घर में लोगों को? यही कह के समझाए है जे थी, मैंने पहले आई नहीं जा दीदी भैया तो कह के चल गई है जो शौचालय बनवाओ। तो हम कहने की